राज्य स्तरीय समारोह में जिले के कई शिक्षक हुए सम्मानित। शिक्षक सम्मान पाकर देखे गदगद। कहा इस तरह के सम्मान समारोह से शिक्षक बेहतर कार्य करने के लिए होते हैं प्रेरित। रांची विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती दीक्षांत मंडप के सभागार में राज्य स्तरीय कार्यशाला सह उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में चतरा जिले के कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मोबाइल के कारण बच्चों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, विशिष्ट अतिथि पंचावा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद, मुख्य वक्ता रेनपास के निदेशिका डॉक्टर जयंती सिमलाई, पद्मश्री मुकुंद नायक, शिक्षाविद डॉक्टर एल आर सैनी, पसावा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे समेत कई शामिल हुए। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान व सीमित संसाधन में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का उल्लेख जगा रहे शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में ग्रॉड फ्रे स्कूल के प्राचार्य नीरज कुमार, नीलाम्बर पीताम्बर पब्लिक स्कूल के प्राचार्य मुमताज आलम, ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के प्राचार्य निसार अंसारी, प्रीमियर अकेडमी प्रतापपुर के योगेंद्र प्रसाद योगी, लिटिल फ्लावर अकेडमी हंडरगंज के निदेशक आदित्य कुमार गुप्ता, संदीप अग्रवाल, पैरा माउंट अकेडमी प्रतापपुर के प्राचार्य श्री मुकेश कुमार, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल चतरा के प्राचार्य अजय कुमार समेत कई शामिल थे। जीटी भारत करियातपुर बराही में इरमा आनंद गुजरात से बीएफएस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में जागृति फैलाने के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में निमिष सहाय व श्री योगेश को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। शिक्षक सम्मान पाकर गदगद के सम्मान मिलने से शिक्षक गौरवान्वित महसूस करें। इस तरह के सम्मान समारोह से शिक्षक बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। कहा कि यह सम्मान उनके स्कूल के बच्चों का है, क्योंकि बच्चे जब सफल होते हैं तभी शिक्षक सफल होते हैं। शिक्षकों ने कहा कि नई पीढ़ी के शिक्षकों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य स्तरीय सम्मेलन सम्मान समारोह में झारखंड के प्रत्येक जिले के काफी संख्या में शिक्षाविद एवं पसावा के प्रदेश एवं राष्ट्र स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। रांची से संवाददाता मोहम्मद तस्लीम की खास रिपोर्ट।